आप फिंच की बात कर लें और डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर आप इंग्लैंड की बात करें, विंस तगड़ा प्लेयर है, उसके बाद जॉस बटलर, उसकी रेपुटेशन किस तरह की है कि जी एक्स फैक्टर है, और उसके बाद उनके पास और भी प्लेयर हैं जो ठीक ठाक जो है डोमिनेट कर सकते हैं बॉलिंग, किसी भी बॉलिंग लाइनअप को। सो अगर इंग्लैंड को और इनको देखा जाए, इट्स अनअस्यूमिंग, इतने बड़े नाम नहीं है, लेकिन हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है। अपना जो जॉब है उसको करने की अहलियत रखती है न्यूजीलैंड की टीम। अगर आप उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन की बात करें, गप्टिल के अलावा आप देखें कि कोई भी जो है अभी तक डोमिनेट नहीं कर सका। हमें पैचेस में नज़र आए कॉनवे की बैटिंग, फिलिप की बैटिंग, विलियमसन से आप एक चीज़ जो उनका कप्तान है वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इनिंग्स को साथ लेके चलेंगे, इनिंग्स को चलाते रहेंगे, स्कोरबोर्ड को चलाते रहेंगे, चौका ओकेजनल वो मारते हैं, छक्का भी मारने की अहलियत रखते हैं, लेकिन वो वाली डोमिनेशन नहीं है जो दूसरों के साथ एसोसिएट करते हैं। फिर बॉलिंग की तरफ आ जाए, हार्ड वर्किंग सवाए उनके, अगर आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बोल्ट की बात करें जो दुनिया में उनका नाम है सऊदी, उसको आप कहेंगे कि एक्सलेंट फास्ट बॉलर, लेकिन उसके साथ वो चीज़ एसोसिएट नहीं होती कि ये टीम को जो है वो बिल्कुल ही फारिग कर देगा एक स्पेल में, वो उसमें चीज़ नहीं है। बाकी भी जो उनके मिल है, पेस है, आउट करते हैं, लेकिन वो वाला जो एक्स फैक्टर है वो वाला नहीं है। सोडी ने भी डिसेंट जॉब किया। सो जब आप न्यूजीलैंड की बात करते हैं, वो मेथोडिकल टीम है, सही। इंग्लैंड जो है वो फ्लेयर वाली टीम है। मेथोडिकल टीम के आगे फ्लेयर फंस जाए तो तब बुरा है, अगर फ्लेयर जो है वो मेथड को डोमिनेट कर ले तब जो है उल्टा पड़ जाता है। सो आज बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है और मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस गेम, क्योंकि मेथड वर्सेस फ्लेयर जो होगा वो आपको बहुत ज़्यादा इंजॉय, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा। नाज़रीन, इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज़ुखरुफ खान साहब। ज़ुखरुफ भाई, 92 न्यूज़ को वक्त देने के लिए बहुत मशहूर हूँ आपका। आज के मैच में जिस तरह आमिर भाई भी डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिल सकता है, एक तरफ फ्लेयर वाली टीम है और दूसरी तरफ मेथोडिकल टीम है, तो आप अगर टीम कंपैरिजन करते हैं और अबू धाबी की पिच को देखते हैं, गुज़श्ता उसका रिकॉर्ड देखते हैं, तो आज का मैच आपको कितना बड़ा मैच दिखाई देता है? जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम आपको भी और आमिर भाई को भी। बहुत अरसे बाद आमिर भाई से भी मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लग रहा है, आमिर भाई के साथ एक बड़ा जबरदस्त टाइम गुजरा है हमारा। मैच तो जी बहुत ही मुझे लगता है बड़ा कमाल मैच होगा, लेकिन आमिर भाई ने वन टू ऑल एक ही चीज बड़ी अच्छी एलैबोरेट की है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ऑन पेपर अगर हम देखें तो इंग्लैंड की टीम हमें बहुत ज्यादा अच्छी, बड़ी बैलेंस्ड और बेहतरीन दिखाई देती है। इंग्लैंड को एक नुकसान जरूर हुआ, आप देखिए जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है तमाइल मिल्स, वो इंजर्ड हो गए, उसकी जगह मार्क वुड, तमाइल मिल्स का भी वो जो एक्स फैक्टर है, बीच में एक पेशे डिलीवरी कर देते हैं, स्लो डिलीवरीज करते हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा रहे इस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए। फिर उनको एक और सेट बैट लगा, जो उनके जेसन रॉय है, सेट बैट्समैन थे, अच्छा चल रहे थे, वो इंजर्ड होकर बाहर हो गए, जेम्स बेस ने ज्वाइन किया, तो शायद ये जो चेंजेस हुई हैं उनको थोड़ा सा जरूर हर्ट करेंगी। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान से हारने के बाद बाकी सब मैचेस जीत के आ रहे हैं, जबकि इंग्लैंड जो है वो अपना आखिरी मैच जो कि उसको जीतना चाहिए था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने इन द एंड बहुत बेहतरीन बॉलिंग की, वो हार के आ रहे हैं, तो एक थोड़ा सा वो भी उनके जहन में होगा, हल्का सा प्रेशर जरूर होगा, क्योंकि ये बड़ी गेम है, नॉकआउट में तो आपका वापसी का कोई चांस नहीं है। वो साउथ अफ्रीका से मैच हारे, लेकिन उनके पास चांस था, अच्छा नेट रन रेट था, वो आगे आ गए, अब उनके पास इस तरह का कोई मौका नहीं है कि अगर उनको चेस करना पड़े 190-95 तो वो इस तरह की गलती करें, या अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं तो बाद में बॉलिंग कैसी करेंगे, इस तरह की कॉम्बिनेशन है। और जहां तक अबू धाबी की बात है तो मैंने तो इस पूरे खत्ते को थोड़ा अजीब सा पाया, क्योंकि अभी हम रिसेंट जून जुलाई में पीएसएल के बकिया मैचेस खेल के आए, तो उसमें यानी इतनी गर्मी में जहां पे 50 टेम्परेचर था, 48 था, तो रात के वक्त जिस लेवल की ड्यू पड़ रही थी, मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई कि इस मौसम में ड्यू पड़ रही है, लेकिन जैसे वहां पे हवा चलती थी तब ड्यू नहीं होती थी। तो ये सारे फैक्टर अबू धाबी में बड़े इंपॉर्टेंट है, और हमेशा की तरह इस टूर्नामेंट में जितने पहले मैचेस खेले गए वहां पे टॉस की बड़ी अहमियत रही है, और इस मैच में भी टॉस की बहुत अहमियत रहेगी, बट ऑन पेपर मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो फेवरेट है। आई थिंक ये इन्होंने हाईलाइट किया ना, जो हवा चले तो वहां पे नहीं आते वो और ड्यू नहीं पड़ती, तो मैं समझता हूँ सेमीफाइनल में आज हवा चलनी चाहिए, क्योंकि दोनों टीमें डिजर्व करती है एक अच्छा मैच और इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये नहीं कि ऑस की वजह से जो है मैच, हमने तो सजेस्ट भी किया था आईसीसी को सोचना चाहिए था, ठीक है हमें पता है कि प्राइम टाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, पैसे कमाना ब्रॉडकास्टर के लिए ज़रूरी है, लेकिन एट टाइम्स आपको प्लेयर की भी कम्फर्ट देखनी है, आपने टीम्स की भी कम्फर्ट देखनी है, आपने वर्ल्ड कप है यार,
वर्ल्ड कप है, आपने टॉस के ऊपर मैच के फैसले करवाने, आईसीसी यहां पे आके जो है वो एक बिल्कुल ही जो है वो क्या कहते हैं स्पाइनलेस किस्म की बॉडी लगती है, कोई डिसीजन ही नहीं कर सकते। लेकिन आप आमिर भाई ये तो देखे ना कि दुबई के अंदर औस उतनी नहीं पड़ती, अबू धाबी के अंदर औस ज्यादा पड़ती है। अबू धाबी मुख्तलिफ है दूसरे स्टेडियम से, वो देखें तो स्टैंड्स भी दो हैं। भी कई मैचेस में नहीं पड़ी, अब हमें नहीं पता कि वहां पे क्या सूरत हाल होती है जिसकी वजह से औस नहीं पड़ते। देखिए हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आज औस पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, लेकिन आप उस स्टेडियम को अगर आप देखें दो ही स्टैंड है, बाकी स्टैंड सारे खुले हुए हैं हवा। एग्जैक्टली, लेकिन इंग्लैंड की अभी उन्होंने बात किया कि उनके वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है वो इंजर्ड हो गए। देखिए उनका जो सबसे बड़ा ऑलराउंडर था, मेन प्लेयर जिन्होंने वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बेन स्टोक्स, वो नहीं थे। जोफ्रा आर्चर अनफिट हो गए, लेकिन इंग्लैंड ने जो ओवर द ईयर्स जो बड़ा अच्छा काम किया है, उन्होंने अपना बेंच बहुत तगड़ा किया है। आप देखें वर्ल्ड कप से पहले आप जोफ्रा को लूज कर जाएं, दूसरे को लेके आए, वो अपना जॉब उसी तरह कर रहे हैं। किसी भी रिप्लेसमेंट की बात करें, वो रिप्लेसमेंट आके अच्छा कर रही है। आपने वोक्स को देखा, उनको खिलाया गया, उन्होंने आके आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया के। सो उनके पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, उनको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। हाँ, इतने बड़े मैच में आप अपने मेन प्लेयर्स को लूज कर जाओ तो होता है, लेकिन आई थिंक ये जो इनके प्लेयर हैं जो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, टेक्निकली वेल इक्विप्ड हैं, ये आके दे विल ट्राई मेक देयर मार्क। सो उन मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड को इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला है कि उनके कोई अगर प्लेयर जो है वो लूज आउट हो गए। सही, ज़ुख्रफ़ साहब आप क्या समझते हैं कि अगर हम बात करें ड्यू फैक्टर के हवाले से, तो ड्यू फैक्टर में बॉलर्स को मुश्किलात का सामना होता है, तो क्या फील्डिंग में भी मुश्किलात का सामना होता है? क्योंकि हालांकि हम देखें तो दोनों तरफ फील्डिंग बहुत मजबूत दिखाई देती है। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आपने न्यूजीलैंड के जो मैच देखा होगा अगेंस्ट इंडिया, उसमें 3 से 4 कैचेस ड्रॉप हुए। तो जब ड्यू पड़ती है तो ड्यू तो बहुत सारी चीजों को खराब आप कर देती है। आमिर भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जब आप कोई भी नॉकआउट मैच खेल रहे होते हैं जिसके पास आपके पास कोई चांस नहीं है, ये सेमीफाइनल है फिर फाइनल है, तो ड्यू फैक्टर ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि ये फिर एक टीम को तो सिरे से ले डूबेगा। बिलफर्ज अगर इंग्लैंड टॉस जीत जाता है, वो चेस की तरफ जाएंगे तो फिर तो न्यूजीलैंड के लिए बिल्कुल ही एक तरफ से माइनस पोजीशन हो जाएगी। तो ये अबू धाबी का जो ग्राउंड है, ये हमेशा से ड्यू के लिए, मेरा ख्याल है हमने वहां पे कोई 25 या 26 दिन गुजारे जिसमें 20 दिन ऑस पड़ी और कुछ 4 या 5 दिन होंगे ऐसे जिसमें 2 ऑफ डेज थे और 3 डेज ऐसे थे जिसमें ड्यू नहीं पड़ी। तो यहाँ पे ड्यू फैक्टर बड़ा ही हर्ट करता है उस टीम को जो टॉस हार जाती है। एज कंपेयर टू आप दुबई या शारजा देखें तो वहां पे इस तरह से हमें ड्यू नजर नहीं आती। आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान ने भी 2 मैचेस में टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, उन दोनों मैचेस में ड्यू नहीं पड़ी। ये उनकी खुशकिस्मती हुई कि वो मैचेस वहां दुबई में थे तो ड्यू नहीं पड़ी। तो ये बड़ा फैक्टर है, और ये मैच ड्यू से अगर इफेक्ट हो गया तो फिर ये सॉर्ट ऑफ वन साइडेड मैच होगा, जो कि इतने बड़े इवेंट में अगर आप वन साइडेड मैच हो जाए और इसका कोई बिल्कुल प्लेन फैसला हो जाए तो मेरा ख्याल है ये शौकीन क्रिकेट के लिए भी बड़ी ज्यादती है और उस टीम के साथ भी बहुत ज्यादती है जो कि इतनी मेहनत करके आगे आई है। आमिर भाई, ड्यू का फैक्टर अब तो मौजूद है, अब टाइमिंग अगर चेंज नहीं हो सकी तो हम तो उसी पे बात करेंगे ना कि 7 बजे अगर शुरू हो रहा है तो ड्यू के फैक्टर में मेरा वही सवाल जो ज़ुख्रफ़ भाई से था कि आप क्या समझते हैं कि कितना इफेक्ट फील्डिंग पे पड़ता है? बॉलर्स पे तो पड़ता ही पड़ता है। फील्डिंग में बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि आप बड़ी तेज़ी के साथ जो है स्प्रिंट नहीं लगा सकते। अब कई दफ़ा आपने देखा होगा स्प्रिंट लगाते हुए फिर आपको गेंद के पास पहुँच के अपनी रफ्तार आहिस्ता करनी पड़ती है कि आपने अपनी बॉडी को बैलेंस करना है गेंद को पकड़ने के लिए, कैच को पकड़ने के लिए। जब आप स्प्रिंट लगा के जा रहे हैं उसमें ऑस में अपने आप को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। कई दफ़ा आपकी हील लग जाए, ऑल्दो आपने स्पाइक्स पहने होते हैं, आपकी हील लग जाए आप स्लिप हो जाएंगे। सही, ठीक है, आपका टो जो है वो जल्दी से लग जाए, अगर वो स्पाइक नहीं फंसेगा तो आपके स्लिप होने के चांसेस है। पाँव की साइड लग जाए वो स्लिप हो जाएगा। सो मुश्किलात तो हैं, बड़ी चीज़ें हैं जो है वो फील्डर को कंसिडर करनी पड़ती है अच्छी फील्डिंग करने।